में संरचनात्मक स्तर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। जंतुओं का जो ऊतक होता है वो जो है कि आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब थ्री जनरल स्तरीय, मतलब कि उनमें तीन स्तर होते हैं। ठीक है, पहले स्तर को जो अंदर वाला स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, और फिर बीच वाले को मीजोडर्म, और फिर उस सबसे किनारे वाले को एक्टोडर्म। ठीक है, तो जंतुओं में जो ऊतक पाया जाता है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का, और उनका जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा हाइयर टाइप का होता है। ठीक है, तो जंतुओं में ऊतक मुख्य रूप से चार प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है उपकला अथवा एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, उपकला और एपिथीलियम ऊतक, ये ऊतक क्या करता है बेटा, ये ऊतक आपका जो आपका स्कीन होता है, स्कीन जैसे हमारा है ना, इसका ये निर्माण करता है। ठीक, कौन करता है, उपकला अथवा एपिथीलियम ऊतक। दूसरा आपका क्या है, संयोजी ऊतक, इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। संयोजी ऊतक में आपका क्या क्या आ जाता है, बोन आ जाता है, हड्डी आ जाता है, और आपका ब्लड यानी कि रक्त आ जाता है। जैसे बोन हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, तो ये आपका संयोजी मतलब का ऊतक क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो इसलिए इसको संयोजी ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। पेशी ऊतक के उसके बाद बोन के ऊपर हमारा क्या है, पेशी यानी कि मसल्स है, और ये मतलब ये जो है कि आपका कैसा ऊतक होता है, पेशी ऊतक, इसको मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन और बोन का क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, फिर इसके बाद तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपका क्या होता है, ये आपको सोचने समझने और चीज़ों को करने और आपके बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे इस समय आप क्या कर रहे हैं, ब्लैकबोर्ड पे देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और दिमाग से समझ रहे हैं, तो ये काम कौन करा रहा है, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो जंतुओं में मुख्य रूप से चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, और जंतु जो होते हैं, जो उच्च स्तर के जंतु होते हैं, उनका शरीर या उनका बॉडी किस तरीके से बना होता है, त्रिजनन स्तरीय। कैसा बना होता है, त्रिजनन स्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है कि ये आपका एंडोडर्म है, और ये आपका मीजोडर्म है, और ये आपका मतलब कि उनमें तीन स्तर होते हैं। ठीक है, पहले स्तर को जो अंदर वाला स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, और फिर बीच वाले को मीजोडर्म, और फिर उस सबसे किनारे वाले को एक्टोडर्म। ठीक है, तो जंतुओं में जो ऊतक पाया जाता है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का, और उनका जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा हाइयर टाइप का होता है। ठीक है, तो जंतुओं में ऊतक मुख्य रूप से चार प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है उपकला अथवा एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, उपकला और एपिथीलियम ऊतक, ये ऊतक क्या करता है बेटा, ये ऊतक आपका जो आपका स्कीन होता है, स्कीन जैसे हमारा है ना, इसका ये निर्माण करता है। ठीक, कौन करता है, उपकला अथवा एपिथीलियम ऊतक। दूसरा आपका क्या है, संयोजी ऊतक, इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। संयोजी ऊतक में आपका क्या क्या आ जाता है, बोन आ जाता है, हड्डी आ जाता है, और आपका ब्लड यानी कि रक्त आ जाता है। जैसे बोन हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, तो ये आपका संयोजी मतलब का ऊतक क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो इसलिए इसको संयोजी ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। पेशी ऊतक के उसके बाद बोन के ऊपर हमारा क्या है, पेशी यानी कि मसल्स है, और ये मतलब ये जो है कि आपका कैसा ऊतक होता है, पेशी ऊतक, इसको मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन और बोन का क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है,
फिर इसके बाद तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपका क्या होता है, ये आपको सोचने समझने और चीज़ों को करने और आपके बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे इस समय आप क्या कर रहे हैं, ब्लैकबोर्ड पे देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और दिमाग से समझ रहे हैं, तो ये काम कौन करा रहा है, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो जंतुओं में मुख्य रूप से चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और जंतु जो होते हैं, जो उच्च स्तर के जंतु होते हैं, उनका शरीर या उनका बॉडी किस तरीके से बना होता है, त्रिजनन स्तरीय। कैसा बना होता है, त्रिजनन स्तरीय, जिप्लोब्लास्टिक। जिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है कि ये आपका एंडोडर्म है और ये आपका मीजोडर्म है और ये आपका एक्टोडर्म है। आपको समझ में आया, धन्यवाद।